हेलो दोस्तों, मैं सनका और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब लड़की आपको टाइम देना कम कर दे या आपको अवॉइड करने लगे, आपको कम टाइम देने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों देखो, ये प्रॉब्लम मोस्टली लड़कों के साथ होती है, जैसे कि उनकी क्रश ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, या एक लड़की है जो उनके ग्रुप में है, पहले तो अटेंशन देती थी लेकिन अचानक से वो उसने अटेंशन देना बंद कर दिया है, बातचीत करना बंद कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही काम बताऊंगी जिन्हें करने के बाद आप वापस उस लड़की के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो, जिससे वो दोबारा से आपको टाइम देने लगे, आपके साथ बातचीत करना पसंद करे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला काम कि अगर एक लड़की ने आपको टाइम देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है तो उसका बेसिकली रीज़न जानो। जैसे कि बेसिक रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि किसी काम में बिजी हो सकती है, या फिर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगा हो, या उसका इंटरेस्ट किसी और में हो, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये रीज़न आपको जानने हैं और फिर क्या है, थोड़ा सा उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर वो आपके बोरिंग बिहेवियर से आपको अवॉइड कर रही है, आपको टाइम नहीं दे रही है, तो कोशिश ये करें कि आप अपने इस बिहेवियर को बदलें ताकि उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ पहले से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, और वो आपको टाइम देना पसंद करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम आपको ये करना है कि इस चीज़ पर भी ज़्यादा ध्यान दें कि उस लड़की को उसकी औकात से ज़्यादा अटेंशन देना बंद करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान हमें तब भी इग्नोर करने लगता है, तब भी हमें टाइम देना कम करने लगता है जब हम उस इंसान को उसकी औकात से, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंट देने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं, बट क्या है, आपने उसको प्यार में, उसकी केयर में इतनी ज़्यादा उसे वो चीज़ फील करा दिए कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इसलिए वो आपको अवॉइड कर रही है। तो इस गलती को सुधारें, ऐसा काम ना करें, ठीक है। उसकी जितने जितना वो डिज़र्व करती है उतना ही उसे वैल्यू दें, उतनी ही उसकी केयर करें, तो चांस है कि वो दोबारा उस कमी को महसूस करे जो आपने करनी बंद कर दी है। जैसे उसकी केयर करना हो गया, उसको अटेंशन देना हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी कमी की वजह से वो आपको वापस टाइम देना स्टार्ट करने लगे। इसके अलावा अगला काम है कि अगर लड़की ने आपको टाइम देना बंद कर दिया है तो एक काम ये भी करें कि अपने आप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसी बातें करने की कोशिश करें जैसी मतलब जिस जैसी बातें सुन के उसे अच्छा लगे, मतलब वो आपके साथ में खुश रहे, आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगे, ठीक है, ये चीज़ करें। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने बिहेवियर से किसी इंसान को बोर कर देते हैं, ठीक है, हमारा बिहेवियर थोड़ा सा चिपकू टाइप का हो जाता है, चुंबक की तरह मत बने, ठीक है। मतलब लड़की जहाँ जा रही है वहाँ आप पीछे पीछे चले जा रहे हो, ऐसा काम भी करने से बचें, क्योंकि इस काम को भी करने से भी अक्सर लड़की जो है लड़के को अवॉइड करना स्टार्ट करने लगती है। इसके अलावा अगला काम है कि अगर लड़की का इंटरेस्ट किसी और लड़के में है और इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रही है, उसने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, तो कोशिश ये करें कि उस टाइम में आप जो है उस मतलब उसका क्रश जिस पर आ गया है उससे अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, उससे बेटर बनने की कोशिश करें, ताकि वो वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसका माइंड जो है आपकी तरफ वापस डाइवर्ट होने लगे, वो आपको उससे कंपेयर करे कि आप उससे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिसे करने के बाद जिस लड़की ने आपको टाइम देना बंद कर दिया है, टाइम कम कर दिया है, तो हो सकता है वो उसका वापस इंटरेस्ट आपकी तरफ आए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।